आगरा की जमनेर पुलिस ने किया नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। जनपद आगरा के थाना जमनेर की देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस को अवैध चल रही शराब की फैक्ट्री को दबिश दी गई, जिसमें पुलिस के हाथ कई नकली शराब के रेफर व कई केमिकल की बोतलें बरामद हुई और पुलिस ने दो अभियुक्तों और एक महिला को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिनके पास हजारों लीटर नकली शराब बनाए जाने वाले केमिकल और देसी शराब की पेटियां जब्त की और पुलिस ने कई देसी शराब के रेफर और खाली बोतल व क्वार्टर मौके पर जब्त कर लिए। थाना जगनेर के गांव नौनी में जो है अभी एक काफ़ी बड़ी मात्रा में एक अवैध शराब पकड़ी गई है, जो नकली रैपर, नकले ढक्कन और उसमें जो लेबल लगाया था वो भी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। इसमें तीन लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनमें एक गोविंद शर्मा, गोविंद ठाकुर और उसकी एक बहन निर्मा, ये भी पकड़ी गई है। और जो माल बरामद हुआ है इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। तो किस तरीके से लोग चलाते थे, कहाँ पर सप्लाई करते थे? ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इनसे मिला, तो ये लगता है कि इन जो पूछताछ की इसमें बताया कि इन्होंने जो है राजस्थान के अभी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उसको वहाँ पे हम इसको सप्लाई करते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी इनका कहना है कि वहाँ पे भी हम इसको सप्लाई कर रहे थे। और फिर पूछताछ और ये भी पूछताछ अभी लगे हैं, पूछताछ की जा रही है इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें, अगर वो आते हैं तो उनको जो गिरफ्तार कर जल्दी ही उनको जेल भेजा जाएगा।